रामलाल मौर्य। रामलाल मौर्य जी हैं जो सादरा से चलकर आए हैं। तो 2019 जो बहुजन समाज को बचाने की और बहुजन समाज के संविधान को बचाने की आखिरी लड़ाई माना जा रहा है, तो कैसे इसको बचाया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। इसको बातें तो कहने को बहुत हैं, लेकिन इसका मेरे पास तो एक ही मुद्दा है बाबा साहब का दिया हुआ, वो ये है कि हम सब दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने 1955 में बनाई थी, उस बैनर तले आ जाएं, धम्म को अख्तियार कर लें। और ये जो इवन मशीन है जो ये बना रखी है, पहला अगर मन वोट डालने का अधिकार जो था वो वैसे था, जो अंगूठा लगाने का या सिर्फ पर्ची का, वो अगर हो जाए ठीक है नहीं, तो ये 2019 आने वाला जो चुनाव है ये आरएसएस या बीजेपी का ये खत्म हो जाएगा, और भारत के अंदर जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और यहाँ जो है बाबा साहब के संविधान सुचारू रूप से चला जा सके। बिल्कुल सही है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ तक समर्थन करता हूँ कि अगर मान ले इसको, ये मुझे दिख रहा है कि सरकार इसको बदलेगी नहीं, ऐसा दिख रहा है, और अगर मान ले इसमें आग लगाने की जरूरत पड़ेगी, मैं कई जगह घोषणा कर दी है, अगर ये मशीन कहीं मुझे मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं पहल कर दूंगा, इस मशीन में मैं आग लगा दूंगा। और 2019 हमारा कामयाब हो जाएगा। थैंक यू बहुत बहुत। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से मीनाक्षी अम्बेडकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।